हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि ये मार्केट में अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो आप किस तरह से स्टॉक मार्केट में एसआईपी कर सकते हैं, स्टॉक्स की एसआईपी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं, जो कि हमेशा हम रिकमेंड करते आ रहे हैं, पर स्टॉक्स की एसआईपी कैसे कर सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा है, इसकी मोटिवेशन कहाँ से मिली। क्योंकि अगर आप देखें तो सब SIPs रिकमेंड करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, खास करके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। ये मैंने भी किया है और पिछले कई सालों से, पिछले 15 साल से कम रिकमेंड हो रहा है कि आप SIP करें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। और टू बी फेयर, पिछले कुछ सालों तक तो इसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आ रहे थे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एक लंबी अवधि में, और जब भी मार्केट में अच्छी मूवमेंट आ रही थी तो म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स परफॉर्म कर रहे थे। पिछले कुछ सालों से, बहुत वजह हैं जिसके अलग से एक वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं, पिछले कुछ सालों से, नोटेबली पिछले 3-4 सालों से म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस काफ़ी सबड्यूड रही है, काफ़ी चिंताजनक रही है, काफ़ी लैकलस्टर रही है, और कहीं से भी जो एसेट मैनेजमेंट फी से चार्ज कर रहे हैं वो जस्टिफाई नहीं होती, खास करके SIP इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि SIP इन्वेस्टर वो है जो कि केयरफुली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है और धीरे धीरे करके कम से कम रिस्क में से अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है। उसमें अगर मार्केट चले और स्कीम्स की परफॉर्मेंस ना आए तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। क्योंकि इन्वेस्टर जिसने धीरे धीरे करके ग्रेजुअली अपना बिल्ड किया पोर्टफोलियो, उसका जब मार्केट मंदी में है तो वो भी समझता है, सब समझते हैं कि रिजल्ट रिटर्न नहीं आया, पर जब मार्केट में तेज़ी आई फिर रिटर्न कैसे नहीं आया और क्यों नहीं आया। उसका वजह ये है कि काफ़ी हद तक जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, मैं सारी स्कीम नहीं कहूँगा, एक्सेप्शन हैं थोड़ी सी, पर एक्सेप्शन गिने चुने हैं। अगर 1000 स्कीम्स हैं इक्विटी फंड की तो उसमें से 5-7 स्कीम्स ऐसी होंगी, खास करके लार्ज कैप और डाइवर्सिफाइड में, जो डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स हैं, जो डाइवर्सिफाइड स्कीम्स हैं, जो अक्रॉस द बोर्ड इन्वेस्ट करते हैं, और जो निफ्टी या सेंसेक्स या जो मेन फ्रंटलाइन इंडस्ट्रीज हैं उनको ट्रैक करते हैं, या लार्ज कैप स्कीम्स हैं जो कि फ्रंटलाइन इंडस्ट्रीज को ट्रैक करते हैं, उनमें से 1000 में से 5-7 ऐसी स्कीम्स होंगी जो कि ठीक परफॉर्म किया है, जिन्होंने कि मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स दिए हैं, मार्केट के, चलो आउट परफॉर्म ना भी किया हो तो मार्केट के तकरीबन रिटर्न्स दिए हैं। तो इसलिए ज़रूरी बनता है कि हम इसको रिव्यू करें। एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है, एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, प्रश्न है हर इन्वेस्टर का कि मैं इस स्कीम में क्यों इन्वेस्ट करूँ अगर रिटर्न ही नहीं आने। तो उसमें दो इसमें सॉल्यूशंस हैं। एक तो आप मेरे हिसाब से, मैंने खुद अपने इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करना शुरू कर दिया है पिछले 1-1.5 साल से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, जो कि मैनेज फंड नहीं है, जो कि पैसिव फंड है। पैसिव फंड मतलब सीधा वो इंडेक्स को में डाल रहे हैं पैसे, और इंडेक्स ही इतना से रिटर्न अच्छे दे रहा है। क्योंकि वो समय था जब फंड मैनेजर्स आउट परफॉर्म करते थे इंडेक्सेस को, वो काफ़ी साल चला है वो एक एरा, पर किसी वजह से पिछले 3-4 साल से बिल्कुल नहीं है। और इस साल जो पूरी रैली आई है अप्रैल से, उस अप्रैल फर्स्ट वीक से अगर आप देखें तो 40% ग्रोथ हुआ है इंडेक्सेस में, और कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है फ्रंट लाइन में जो कि 40% के करीब रिटर्न दे रही है इस फाइनेंशियल ईयर में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्कीम से हट के आप अपने SIP क्रिएट करें। और मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि डीमैट अकाउंट से सबके पास आप छोटे छोटे शेयर्स भी ले सकते हैं, क्वांटिटी ले सकते हैं। और मैं ऐसे, अगर आपने फ्रंटलाइन शेयर्स में इन्वेस्ट करनी है, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, तो बजाय कि आप लार्ज कैप या फ्रंटलाइन स्कीम में इन्वेस्ट करने की बजाय, मैं आपको 5 स्टॉक्स ऐसे बता रहा हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP बना सकते हैं। सिर्फ इसमें ध्यान रहे कि आपको खुद करना है, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं जाएंगे, तो सिर्फ आपको अलर्ट रहना है। सिर्फ ये नेगेटिव है, पॉजिटिव ये है कि आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, और दूसरा आपके जो कॉस्ट है वो बहुत कम लगेगी, तो कॉस्ट की सेविंग होगी और रिटर्न भी ज़्यादा आएगी। तो जो तो थीमेटिक फंड्स हैं वो हम बाद में बात करेंगे, मिड कैप की भी बाद में बात करेंगे। हम शुरू करते हैं लार्ज कैप से। आज की डेट में लार्ज कैप स्कीम की जगह आप ये जो 5 स्टॉक्स हैं, ये मैं बता रहा हूँ, आप इनमें आप SIP करें, आप अगले 3-4-5 साल करें, तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि इसमें आपके रिटर्न्स अच्छे आएंगे।
तो पहला स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स लगातार आउट परफॉर्मर है, पिछले 30-35 साल से इसने बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है इन्वेस्टर्स का, और मेरे को नहीं लगता कोई वजह ऐसी है कि आगे चल के ये रिटर्न्स नहीं देगा। हर तेज़ी में इसने परफॉर्म किया है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है, ऑटोमोबाइल, हाउस डेकोरेटिव पेंट्स, काफ़ी सेगमेंट्स में इनका अच्छा प्रेजेंस है, एक तरह से अच्छा प्रॉक्सी भी है पूरी इकोनॉमी का। तो एशियन पेंट्स में आप ज़रूर SIP स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड काउंटर है HDFC। अब HDFC हाई लीडर है इन हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट। ये जो सारे में स्टॉक्स बता रहा हूँ सब एक तरह से अपने सेगमेंट में लीडर हैं। तो HDFC हाउसिंग फाइनेंस में लीडर है। हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लगातार हाउसिंग शॉर्टेज है और अभी कई और साल लगेंगे जब तक ये हाउसिंग शॉर्टेज ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए हाउसिंग फाइनेंस बहुत सिक्योर और अच्छी ग्रोथ वाला बिजनेस है, उसमें HDFC की लीडरशिप पोजीशन है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, स्टॉक का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हिस्टोरिकली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हर तेज़ी में परफॉर्म किया है, रेगुलरली हर 5-7 साल में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट हुआ है इन्वेस्टर्स का। तो इसको भी आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक और अच्छी बात है कि जब HDFC आप लेते हैं तो ऑटोमेटिकली HDFC ग्रुप के जो बाकी शेयर्स हैं उनमें भी आपका एक स्टेक आ जाता है, क्योंकि HDFC इज़ द होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल दी अदर HDFC ग्रुप शेयर्स। उसमें अंदर HDFC बैंक आता है, HDFC लाइफ जो कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, और HDFC AMC जो कि एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है। ये तीन तो लिस्टेड बिजनेसेस हैं। इसके अलावा एक चौथा बिजनेस है HDFC अर्गो जो कि जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है, और HDB फाइनेंशियल जो कि एक NBFC है जो कंज्यूमर फाइनेंस कर रही है। तो आपको कंज्यूमर फाइनेंस, बैंक, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और AMC सभी बिजनेसेस का एक्सपोजर मिल गया, सभी बिजनेसेस वेल मैनेज्ड हैं, और HDFC लाइफ और HDFC बैंक भी एक तरह से अपने आप में आउट परफॉर्मर है मार्केट में, उनका भी आपको होल्डिंग मिल गई। तो इसलिए HDFC आप ज़रूर दूसरा एक स्टॉक है जिसमें आप SIP कर सकते हैं। तीसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसमें कोई हम ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, हम सबको पता है रिलायंस ने क्या आउट परफॉर्म किया है। टेक्नोलॉजी का जहाँ तक सवाल है तो लार्ज कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक इंडिया में एक ही है, रिलायंस, और टेक्नोलॉजी ने आगे चल के आउट परफॉर्म करना ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड बन रहा है पूरा, हर चीज़ डिजिटल जा रही है। तो छोटी मिड कैप्स में कई डिजिटल ऑप्शंस हैं, पर लार्ज कैप में सिर्फ एक ही ऑप्शन है रिलायंस, तो उसको नॉवल्टी प्रीमियम भी मिल रहा है, और इसमें कोई मेरे को शक नहीं कि आगे चल के इसने आउट परफॉर्म करना ही है। चौथा है ITC। ITC काफ़ी सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, पर कंपनी का अगर आप सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन करें तो बहुत डिस्काउंट में कोट हो रहा है, और ITC का भी लगातार 30-40 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये भी रेगुलर आउट परफॉर्मर रहा है, वेल्थ क्रिएट किए हैं, और हर लाल पीरियड के बाद इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो लाल पीरियड जो पिछले 6-7 साल से चल रहा है, एक तरह से पूरा इंडिकेशन दे रहा है कि जब भी ब्रेकआउट होगा ITC का तो बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। अब क्या ट्रिगर होगा किसी को नहीं पता, पर जब भी इसका आउट परफॉर्म होगा तो ये बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। तो ये चौथा स्टॉक है, और इसमें डिविडेंड भी अच्छा है, तो अगर किसी वजह से एक कुछ शेयर इसने अंडर परफॉर्म भी किया जैसे अभी कर रहा है, तभी आपका डिविडेंड अच्छा आ रहा है, जो कि एक अपने आप में एक अच्छा रिटर्न है। लास्टली अल्ट्राटेक है। अल्ट्राटेक लीडर है सीमेंट में। अगेन कंपनी काफ़ी वेल मैनेज्ड है, हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है इसने। तो ये 5 स्टॉक्स हैं जो मेरे मुताबिक अगर आप लेते हैं, इसमें SIP करते हैं, तो आपके मेरे मुताबिक जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं या फ्रंट लाइन म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स हैं उनसे आपके बेटर रिटर्न्स आएंगे, कॉस्ट भी बचेगी क्योंकि आपको सिर्फ ब्रोकरेज देनी है, और शेयर ब्रोकरेज आपको पता है बहुत नॉमिनल है कंपेयर टू द AMC चार्जेस जो म्यूचुअल फंड लगाते हैं। म्यूचुअल फंड्स के चार्जेस काफ़ी होते हैं, ना सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूटर को जाते हैं, इसके अलावा भी इनके एसेट मैनेजमेंट फीस है जो कि काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द शेयर ब्रोकिंग चार्जेस। तो मेरे को नहीं लगता कि जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, और ये नहीं कि अभी 4 महीने में कम है, लगातार कई सालों से इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब चल रही है, तो मेरा कंक्लूजन ये है कि इनको AMC देने से अच्छा है अब हम अपना ही इसके स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाएं और उसमें लगातार हर महीने इन्वेस्ट करें। अब SIP करने के लिए आपको डिसिप्लिन रखना है, आपको अमाउंट तय करना है, उतना ही अमाउंट डालना है हर महीने, चाहे मार्केट तेज़ी में हो या मंदी में हो, जैसे SIP म्यूचुअल फंड में चलती है। और आप कोशिश करें कि महीने में 2-3-4 दिन ऐसे, जितने ज़्यादा दिन चूज कर लें उतना अच्छा है, पर उन्हीं दिनों में डालें,
जैसे आपने 10th, 15th, 20th, 25th of every month चूज़ किया है, तो उन्हीं दिनों में डालें। अब उन दिनों ये ना देखें कि मार्केट आज तेज है या आज बंदी में है, बिना देखे उन्हीं शेयर्स में और हर शेयर में इक्वल अमाउंट डालना है आपने, ताकि आपका एवरेज बिल्कुल ठीक होता रहे। किसी वजह से 10th या 15th जो भी आपने डेट्स चुने हैं उसमें छुट्टी है, तो उसके अगले दिन या पिछले दिन आप कर सकते हैं, पर करना भूले ना, और तेज़ी में भी करें मंदी में भी करें, ताकि ओवर द इयर्स आपका एवरेज अच्छा आ जाए। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगर आप ऐसे जो बिल्कुल एवरग्रीन फ्रंट लाइन शेयर्स हैं जो हर तेज़ी में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका अभी भी भविष्य काफ़ी अच्छा है, वेल मैनेज्ड हैं, प्रोफेशनली मैनेज्ड हैं, इनमें आपके रिटर्न्स म्यूचुअल फंड स्कीम्स की तुलना में, खास करके जो लार्ज कैप या डाइवर्सिफाइड स्कीम्स हैं उनकी तुलना से काफ़ी अच्छे रहेंगे और खर्चा भी बचेगा जैसे ने बताया। तो मैं जरूर कोशिश उम्मीद करूंगा कि आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे रहेंगे इन स्कीम्स, ऐसी स्कीम के साथ चलने में। मेरा YouTube चैनल देखने के लिए शुक्रिया। आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए। मेरे को आप ट्विटर, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।